देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश का बजट पेश कर दिया है। अरुण जेटली जी के पिटारे से इस बार किसानों के लिए काफी कुछ निकला है। किसानों के लिए वित्त मंत्री जी ने जय किसान बजट पेश किया, जिसको लेकर किसान खुश नजर आ रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर सरकार द्वारा पेश किया गया बजट अमल में लाया जाता है तो किसानों को काफी फायदा होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किए गए बजट में किसानों के लिए काफी घोषणाएं की गई, जिससे किसानों को काफी उम्मीद है, क्योंकि इस बजट से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं और इस बजट की किसान को काफी जरूरत थी। वहीं किसान का ये भी कहना है कि सरकार ने बजट तो पेश कर दिया, लेकिन इसे अमल में लाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सरकार घोषणाएं तो कर देती है, अमल में नहीं लाती। अमल में लाती है तो हम बहुत खुश हैं। एक बार और बता दो, यही बात क्या कहेंगे जो आज बजट पेश हुआ है, जो किसानों के आए एमएसपी रेट जो जी जी लागू करते हैं तो अच्छा है जी, लागू करते हैं तो हम इनका धन्यवाद करेंगे, पर हमारे को उम्मीद नहीं करेंगे, बातों बातों में करेंगे, हमारे को पूरी उम्मीद नहीं। पेश हो चुका है सर आज क्या बजट पेश हो गया और इसमें बजट में जो है ये चीज लाई गई है एमएसपी रेट तय किया जाएगा, और कैसा लगता है? अच्छा लगता है, फिर तो ये करते हैं तो हमने फिर तो हम अच्छा ही करते हैं। क्या अब तो ये तो पता लगेगा ना जी क्या कर रहे हैं, हमारे को पूरा समझ नहीं अभी कितना इन्होंने क्या कराया, ये करेंगे तो हमने इनको अच्छा कह देंगे, हमारे को दुश्मनी थोड़ी। एमएसपी रेट जो है सभी फसलों का मिलता है तो कितना फायदा आपको? फिर तो फायदा है जी, फिर तो जमींदार का भला हो जाएगा, इसमें जो अन्नदाता सब देश का अन्नदाता इसका कुछ भला हो जाए तो बुरी बात तो नहीं। इसको एक पराली की समस्या से निपटने के लिए मशीनरी का सरकार कह रही है प्रयोग किया जाएगा। पराली की एक ब्लॉक में एक मशीन दे देंगे, जैसे जी एक ब्लॉक में दे दें वो लड़ाई करने वाली, एक ब्लॉक में एक किस किस की काटेंगे वो, हम कहते हैं भी हमारे को उनका हर किसान को दे, उसमें सब्सिडी दे, जो सारा नहीं दे हर किसान को दे दो अपना, हम क्यों पराली को फूकेंगे, हम आग नहीं लगाएंगे। मशीनरी का प्रयोग किया जाता तो फायदा है ये? हाँ, फायदा है जी, फिर तो हम हाँ खुश हैं जी, मशीनरी दे दें तो हम आग नहीं लगाएंगे, हम हमारे हमने तो फसल पैदा करनी है। बजट में कहा गया अगर वैसा होता तो इस बजट से आप काफी खुश होते? हाँ खुश हैं जी, ये कर देते हैं काम तो हम खुश हैं। क्या नाम आपका? कुलदीप। सर जो आज बजट पेश हुआ है एमएसपी रेट जो है तय किया गया है सभी फसलों का, लागत मूल्य ऐसा है कि कुछ फसलों का तो पहले ही एमएसपी मतलब तय किया जाता था, लेकिन जो आज इन्होंने बात किया है कि हम सभी फसलों के मतलब एमएसपी तय करेंगे, वो एक बहुत अच्छा फैसला है, ताकि कोई भी फसल ना बचे और पूरे देश की किसानों की फसल को उठाया जा सके, एमएसपी से नीचे उसकी फसल नहीं बिकनी चाहिए। देखने में आया कि एमएसपी तय कर दिए लेकिन उसमें फसलों को मतलब फसलों को लिया नहीं जा रहा, उससे कम एमएसपी से कम भी फसल उठाई बिकती हैं, तो ऐसा ना हो कि आगे भी ऐसे हो, तो एमएसपी से नीचे फसल नहीं बिकनी चाहिए, उससे ऊपर मर्जी जो कर ले उसका वो हम स्वागत करते हैं। 22,000 हाट जो है कृषि बाजार में बदले जाएंगे उसको कैसे? ये हाटों का इनका जो कार्य है ये सरकार का अपना है कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं कैसे ना करते हैं, किसानों की फसलों को कहाँ वो लगाते हैं, किस तरह उनकी फसलों का मतलब निवारण करते हैं, वो सरकार की जिम्मेदारी। अच्छी बात है कि वो ज़्यादा हाट खोलेंगे या ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगाएंगे तो हमारी फसल का मतलब ज़्यादातर माल बनेगा और वो बाहर भी चला जाएगा और सरकार को भी इसमें इनकम होगी। और मेगा फूड पार्क भी बनाए जाएंगे ऐसे सरकार? ये मेगा फूड पार्क जो बना रही है ये तो मतलब जनता के लिए बनाए जाते हैं मेगा फूड पार्क, जैसे कि मेगा फूड पार्क बनाएंगे उसमें फसलें ज़्यादा जाएंगी, उसमें मतलब हमारा अनाज ज़्यादा खपत होगा, तो जितना जहाँ खपत ज़्यादा होगी वहाँ हमें लागत भी सही मिलेगी, ये हमारी उसमें। सर पराली की समस्या के लिए मशीनरी का प्रयोग सबसे बड़ी चीज़ जो है मानने के लिए? बिल्कुल ठीक है, पराली की जो समस्या है ये एक बहुत भयंकर समस्या पैदा हो गई थी, क्योंकि लेबर हमें मिलती नहीं थी, ग्रामीण क्षेत्र में लेबर रही नहीं और उसकी वजह से हमें मतलब पराली जो है मशीन से कटवानी पड़ती थी और मशीन के पीछे जो गुद्दा रहता था उसको हमने फूकना पड़ता था, उसका थोड़ा घना धुम्मा चला जाता, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि किसान ने ही पराली, किसान ने तो अब ग्रीन रिवॉल्यूशन फैला रखा है, आज पूरा देश हरा है, तो खुश है सर इस हम इस पे मतलब खुश है कि वो सरकार हर किसान को मशीन दुआए या उसको उठाने की समय उसका समाधान करे। ये बजट कैसा देखते हो, कितना लाभ? ये बजट कुल मिलाकर किसानों के लिए ठीक है, लगभग मतलब इसमें जो पॉइंट रखे गए हैं वो अच्छे रखे गए हैं, लेकिन एक कर्ज मुक्त की जो समस्या है वो और किसानों की आय सुनिश्चित करना, ये हमारे एक बहुत और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में जो 1.5 गुना है वो सरकार ने इस बार बोल ही दिया है कि भाई हम 1.5 गुना लाभ देंगे, यदि देती है तो ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद।